मिडिल क्लास परिवार में जन्म हुआ था मेरा। पापा मेरे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे, तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के साथ काम, तीनों के जगह पे हम लोग पोस्टेड रहे पापा मेरे। केंद्रीय विद्यालय जो सेंट्रल स्कूल है वहाँ से मैंने 1 से लेकर 12th किया। 1 से 12th 12 साल में 7 स्कूल मैंने बदले, सिलीगुड़ी, रांची, पुणे, गोवा, ग्वालियर, दिल्ली। तो कहीं ना कहीं वर्सैलिटी रही कि जहाँ भी जाएँ तुरंत सेट हो जाएँ। कभी पापा का अक्टूबर में पोस्टिंग आ जाए, कभी नवंबर में पोस्टिंग आ जाए, तो नए स्कूल में जाना, नए दोस्त बनाना, एडजस्ट कर जाना। क्योंकि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के साथ रहे तो हमेशा राष्ट्रीयता की भावना तो हमेशा रहती थी। पूरे टाइम जब भी वो आदमी वहीं अटेंड करता था तो हमेशा एक मन था कि मैं सिक्योरिटी फोर्सेज में जाऊँ। मैंने NDA का भी एग्ज़ाम दिया, वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन साथ में मेडिकल में भी मेरा सिलेक्शन हुआ। तो फिर मेडिकल में मैंने एडमिशन लिया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से मैंने 99 में एडमिशन लिया और 2005 में मैंने MBBS किया। मैं मैथ्स भी मेरा सब्जेक्ट था तो मैथ्स मुझे ज़्यादा पसंद था। बायोलॉजी में थोड़ा मुझे मुश्किलें आती थी, लेकिन आप जो सोचते हैं लाइफ में बहुत चीज़ें मिलती, मतलब लाइफ डायरेक्शन लेती है, अपने को फॉलो करना पड़ता है उस डायरेक्शन को। जब मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया तो हॉस्टल मेरा नया था, घर में रहने की आदत थी, तो काफ़ी पापा की उस टाइम पोस्टिंग इलाहाबाद आ गया था, तो मैं गोवा में अकेला था, तो एक होम सिकनेस टाइप की चीज़ भी थी और सिलेबस भी मेरे ज़्यादा पड़ रहा था। फर्स्ट ईयर में मैं फ़ेल हो गया एक सब्जेक्ट में, 2 महीने पीछे रहा। निश्चित रूप से जब आप लाइफ भर अच्छा कर रहे हो स्कूल में, कॉलेज बिल्कुल अलग होता है। और कॉलेज ट्रांजिशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज है लाइफ का। मैंने फील किया कि काफ़ी लड़के उसी टाइम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लोग एडिक्शन में चले जाते हैं, लोग जो है गलत संगति में फंस जाते हैं, काफ़ी लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए कॉलेज में शुरू में एंट्री। फिर फाइनल ईयर में भी, मैं सेकेंड ईयर में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा फ्रैक्चर हुआ फीमर में, 2 बार ऑपरेशन कराना पड़ा, उसके कारण मैं फ़ाइनल ईयर में दोबारा एक बार फेल हो गया। तो वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेज में काफ़ी सारे बालक बालिकाएं साथ में रहती हैं, काफ़ी अगर आप पीछे हो जाते हो तो दुनिया आपको पीछे देखने लगती है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टर्बुलेंट टाइम रहा मेरा वो 5-6 साल, लेकिन वही टाइम ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया कि जब आप फेल करते हो तो आप अकेले रहते हो, सक्सेस में भीड़ आपके साथ रहती है, और फेलियर में आप खुद पर डाउट करने लगते हो, तो उस टाइम अपने को ऊपर उठना पड़ता है, अपने को अपनी जो सारी ताकतें हैं उसको एक जगह लाना पड़ता है। और आदमी को सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, और जब तक आदमी खुद ना टूटे कोई तोड़ नहीं सकता आदमी को, ये मेरा हमेशा मानना है। मैंने बार बार चीज़ों को पढ़ा, कंसेप्चुअली पढ़ने की कोशिश की, मेडिकल पे अच्छा कंट्रोल बनाया, और यही कारण था कि उसके बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन का एंट्रेंस हुआ, मैंने माना हुआ था कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएट अच्छे कॉलेज से करना है, अच्छे ब्रांच में करना है, सभी लोगों को जवाब देना है जो लोग ये सोचते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ। और फिर उसी मेहनत का नतीजा था कि एम्स के ऑल इंडिया PG एंट्रेंस में डबल डिजिट रैंक आया मुझे, और एम्स न्यू दिल्ली से मुझे मैंने MD सेक्रेटरी जो है वो किया, क्योंकि मेरे लाइफ में इतना टर्मोइल रहा था कि मुझे सेक्रेटरी बहुत पसंद था, लोगों की साइकोलॉजी समझना, क्यों ऐसा होता है, कैसे करना है, कैसे हम लोगों को हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, कैसे हम एम्पैथेटिक रह सकते हैं, लोगों को समझना, लोगों से बात करना मुझे हमेशा पसंद था। तो ये ब्रांच मुझे सूट कर रहा था, मैंने एम्स दिल्ली से MD सेक्रेटरी किया। दिल्ली के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, GV पंत, राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग, वहाँ भी मैंने काम किया। तो एक मुझे फॉर्चुनेट रहा कि टॉप कॉलेजेज में मुझे काम करने का, देश के टॉप हॉस्पिटल्स में काम करने का मौका मिला, क्योंकि गोवा एक मिडिल लेवल कॉलेज था, एम्स एक बहुत ही बड़ा नाम है। मैंने ये फील किया कि बड़े कॉलेज में रहने से जो स्टूडेंट्स हैं उनमें आपस में इतना पीयर प्रेशर रहता है कि या तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो या आप कोलैप्स कर जाते हो। एम्स के अंदर अंडर ग्रेजुएट्स में सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट्स हैं। उस टाइम 50-सीटर कॉलेज हुआ करता था एम्स, हर साल 1-2 लड़के जो हैं सुसाइड करते थे। प्रेशर बहुत रहता है। ये भी ज़रूरी है कि हम पीयर प्रेशर को पॉजिटिवली यूज़ करें। हम आसपास के यदि सारे लड़के अच्छे हैं तो उसमें ही कोई आगे पीछे होगा। लाइफ एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं है, कभी आप आगे हो सकते हो, कभी पीछे हो सकते हो। फैकल्टीज़ की भी जो कंसल्टेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि जो लोग पीछे छूट रहे हैं उनको ज़्यादा टाइम दें।
मैंने इस देश में देखा है होता क्या है कि जो लोग अच्छे रहते हैं उनको टीचर फैकल्टीज ज़्यादा ध्यान देते हैं तो वो और आगे निकलता चला जाता है, और जो थोड़ा पीछे हो जाता है उसको थोड़ा हीन भावना से देखते हैं तो और पीछे चला जाता है, जबकि उल्टी बात है, जो पीछे जा रहा है उसको आपकी फैकल्टीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है। वहाँ पे काम करने के बाद निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस आया। मेडिकल में ही मैं काम करना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि यदि हम किसी व्यक्ति को केवल दवाई देते हैं तो केवल उसका मेडिकल आस्पेक्ट हम ट्रीट करते हैं। इलनेस का केवल मेडिकल आस्पेक्ट नहीं होता, उसका सोशल आस्पेक्ट होता है, कल्चरल आस्पेक्ट होता है, इकोनॉमिक का आस्पेक्ट होता है, लीगल आस्पेक्ट होता है। जब तक हम एक हॉलिस्टिक एक व्यक्ति को ठीक ना करें उसकी कोई इलनेस ठीक नहीं हो सकती। और किसी भी व्यक्ति यदि हमें व्यक्ति को ठीक करना है तो समाज को ठीक करना पड़ेगा, और यदि समाज को हमें ठीक करना है तो सोसाइटी पे जाके आपको ग्राउंड पे जाके काम करना पड़ेगा। एम्स से मैंने देखा कि लोग कोई बिहार से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, लोग 2,000 किलोमीटर दूर से केवल ट्रीटमेंट कराने आ रहे हैं, फिर उनको फॉलोअप करने में मुश्किल आती है, पैसे के कारण काफ़ी दवाई कर नहीं पाते। तो मैंने सोचा कि यदि हम एक सोसाइटी में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, लाखों लोगों की ज़िंदगी में चेंज लाना चाहते हैं, तो सिविल सर्विसेज जो है वो सबसे अच्छा एवेन्यू है, अपॉर्चुनिटी है। आप कम एज में आप लीडरशिप पोजीशन पे रहते हैं, आपके नीचे काफ़ी लोग रहते हैं जिनकी ज़िंदगी को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी पुलिस अधीक्षक हूँ तो मेरे केवल दुर्ग पुलिस के में के अंदर 1800 से 2000 लोग हैं, जो कि जिन छोटी छोटी मेरे डिसीजन से उनके लाइफ में चेंज आता है। दुर्ग की आबादी 20 लाख है, मेरे कुछ चीज़ें करने से 20 लाख लोगों की ज़िंदगी में चेंजेज आ सकता है। तो मैंने सिविल सर्विस की तैयारी करने का मेरा मन बना। मैंने 30 के जनरल में लास्ट एज 30 है, मैंने MBBS 99 में स्टार्ट किया, 2005 में मैंने MBBS कंप्लीट किया, 2006 से 2009 तक MD किया, 9 से लेकर 12 तक दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया। मेरा एज 29 हो गया था, एक ही अटेम्प्ट बचा था मेरे पास। और आपने कर लिया? घर वाले भी काफ़ी टेंस थे, मेरी शादी भी 2010 में हुई थी, शादी के बाद मैंने तैयारी शुरू की, इन लॉज भी परेशान थे, पत्नी भी परेशान थी। जब मैंने तैयारी शुरू की तो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी, एक्सपेक्टेंट भी थी, तो निश्चित रूप से बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था। तो मैंने ये चीज़ देखा है कि यदि हमने कोई चीज़ ठान ली है, यदि सचमुच हम उस चीज़ से प्यार करते हैं तो जो आसपास वाली चीज़ें हैं वो हमें डिटर नहीं करती। बहुत लोगों से मैंने यूज़ से सुना है कि सर क्या हमें तैयारी करना चाहिए, सर क्या हमें जॉब छोड़ के तैयारी करना चाहिए, क्या हमें प्रोफेशनल फील्ड में काम करना चाहिए, फील्ड सर्विस करना चाहिए। हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम अगले 30-40 साल क्या करना चाहते हैं। यदि हमने मन बना लिया है तो हमें पूरे जोश खोश से केवल तैयारी करनी चाहिए, हमें तैयारी से होने वाले नुकसान और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं जाना चाहिए।